दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे बजाज पल्सर 150 सिंगल डिस्क ABS पल्सर बाइक के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग इस बाइक को खरीदना है कैश में तो क्या होगा, इस बाइक के एक शोरूम प्राइस, इसके बारे में बात करेंगे। RTO इंश्योरेंस और आधार चार्जेस के बारे में बात करेंगे, हैंडलिंग चार्जेस के बारे में बात करेंगे, सारी टैक्सेस लगाने का बाद क्या होगा ऑन रूट प्राइस। दोस्तों इस वीडियो में इस बाइक का प्राइस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस बाइक का जो भी स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और अगर आप लोग इस बाइक को फाइनेंस करना है 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर का डिटेल्स मैंने इस वीडियो में लिया है। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखना, आप पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस बाइक का जो स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंजन सीसी के बारे में बात कर लेते हैं। 149.5 सीसी इंजन इस बाइक में देखने को मिलेगा। फ्यूल टाइप होगा पेट्रोल। दोस्तों ये बाइक पेट्रोल से चलता है। मैक्स पावर होगा 13.8 bhp एट द रेट 8500 rpm होगा। मैक्स टॉर्क होगा 13.25 न्यूटन मीटर एट द रेट 6500 rpm होगा। दोस्तों इस बाइक का माइलेज होगा 65 किलोमीटर पर लीटर होगा। फ्रंट ब्रेक टाइप होगा डिस्क ब्रेक। दोस्तों इस बाइक का जो रियर ब्रेक टाइप होगा ड्रम ब्रेक। दोस्तों इस बाइक का जो कार वेट है 148 किलोग्राम होगा। और इस बाइक का जो एक शोरूम प्राइस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस बाइक का एक शोरूम प्राइस होगा 99,904 रुपीस इन बेंगलोर। मैंने इसकी प्राइस बेंगलोर सिटी से लिया है। RTO चार्जेस होगा 13,307 रुपीस। इंश्योरेंस की चार्ज होगा 6,232 रुपीस। हैंडलिंग चार्जेस होगा 3,010 रुपीस। दोस्तों अदर चार्जेस होगा 437 रुपीस। ऑन रोड प्राइस होगा 1,22,890 रुपीस। दोस्तों अगर आपका पास बजट कम है, अब इस बाइक को फाइनेंस करना है तो आपको डाउन पेमेंट देना होगा 40,000। लोन अमाउंट बनता है 82,890 रुपीस। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लगाया है 11%। दोस्तों अगर आप लोग इस बाइक को 1 ईयर के लिए फाइनेंस कर रहे हैं तो आपको हर मंथ में 7,326 रुपीस पर मंथ आपको पे करना होगा। दोस्तों अगर आप लोग इस बाइक को 2 ईयर के लिए फाइनेंस कर रहे हैं तो आपको हर मंथ में 3,863 रुपीस पर मंथ आपको पे करना होगा। दोस्तों अगर आप लोग इस बाइक को 3 ईयर के लिए फाइनेंस कर रहे हैं तो आपको हर मंथ में 2,714 रुपीस पर मंथ आपको पे करना होगा। दोस्तों अगर आप लोग इस बाइक को बेंगलुरु से लेना है तो यही प्राइस देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपका मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के आंसर देने का पूरा कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।